हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मसालेदार पास्ता बना रही हूँ। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगता है। मैंने ये पास्ता लिया हुआ है, 2 पैकेट पास्ता है। ये सूजी का, सूजी वाला लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। ये पत्ता गोभी है, ये प्याज का जो हरा पत्ता होता है ना ऊपर वाला वो है, ये मटर है, ये इतना सा गाजर है, 2 टमाटर है, 2 प्याज है, इसी में मैंने 2 मिर्ची भी ली हुई है। ये सोया सॉस लिया हुआ है, ये सेजवान चटनी 1 चम्मच में डालूंगी। आप नहीं भी डाल सकते हो, इसका कोई ये नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट आता है। ये चिली सॉस है और ये 4 बड़ा चम्मच, इसी से 4 बड़ा चम्मच इसमें टमाटर सॉस डाला हुआ है। पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है, वो थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी और मैं पास्ता इसमें डाल दूंगी। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा और इसको बॉयल होने देते हैं। बॉयल हो चुका है, ये कट रहा है, इसका मतलब ये हो गया है। अब इस पानी को फेंक के दोबारा इसको मैं धुल लूँगी एक बार। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें तेल डालूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें जीरा का तड़का दूँगी, उसके मैं प्याज टमाटर और मिर्ची तीनों मैं एक साथ डाल दूंगी। ये थोड़ा गल जाएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें सब्जियों को ज़्यादा गलाते नहीं हैं, थोड़ा कच्चा कच्चा रखते हैं। बस मैं 2 मिनट के लिए मैं भूनूंगी इसे। मसाले ऐड करूँगी, फ्लेम लो रखें, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, इसमें मैं थोड़ा सा किचन किंग डालूँगी, आप मीट मसाला या चिकन मसाला भी 1/2 स्पून डाल, क्योंकि अच्छा इससे टेस्ट अच्छा आता है। हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, इतना में मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। इसको अच्छी तरह से मिला दें। अब सॉस को ऐड करेंगे, सोया सॉस 1 चम्मच है, 1 चम्मच से थोड़ा कम है। सोया सॉस मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। अब इसमें सेजवान चटनी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा 2 पैकेट का बना रही हूँ, इसलिए मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, नहीं तो मैं 1/2 चम्मच डालती हूँ। चार बड़ा चम्मच सोया टमाटर सॉस, टाइम आप फ्लेम को एकदम हाई पे रखें। बस 1 मिनट के लिए इसको ऐसे चलाना है। चला लिया है, अब पास्ता को ऐड करेंगे।
मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है प्लीज आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें यार। इसको अच्छी तरह से मिला दें। इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है, बस 2 मिनट के लिए और रखेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बाद में कच्चा कच्चा जैसा लगता है, इसलिए मैं बाद में नहीं करती हूँ, मैं पहले ही कर लेती हूँ। और बच्चे भी फिर खाते नहीं हैं, इसलिए मैं पहले ही करती हूँ। 2 मिनट चलाने के बाद, 2-3 मिनट चलाने के बाद, 3 मिनट भी लगा होगा, उसके बाद गैस को बंद करते हैं। आइए इसकी प्लेटिंग मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें गाइस, बहुत अच्छी बनी है। आप इसे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये कैसा है। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।